गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जिस ब्यूटीफुल प्लांट से मिला रही हूँ उसका नाम है प्लैटिकलेडस ऑरेंटेलिस। ये कॉर्निफेरस एवरग्रीन ट्री है जो कि जिस चाइनीज थूजा के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको भी गार्डन को ब्यूटिफाई करने के लिए लगाया जाता है। जो उसका कलर भी काफ़ी खूबसूरत होता है। देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, एक एवरग्रीन ट्री है ये। तो इसको शुरू से ही एक बड़ा पॉट देना है। मैंने भी काफ़ी बड़ा सा पॉट दिया हुआ है और शुरू से ही ये प्लांट इसमें लगा हुआ है। जहाँ तक इसकी सन की रिक्वायरमेंट की बात है तो एक फुल सन का ही ये प्लांट है और इसको फुल सन की रिक्वायरमेंट है। फुल सन में ही मुझे इसको रखना पड़ता है। और मिट्टी हमेशा सारे प्लांट्स की जैसे मैं तैयार करती हूँ तो इसको भी एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की नीड है, एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मिट्टी में पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ अपने सारे वीडियोस में कि पानी ज़्यादा डालने से पेड़ ज़्यादा ख़राब होते हैं, हमारे प्लांट्स ज़्यादा मरते हैं। बल्कि कम पानी डालने के नहीं उतना मरते हैं, कम पानी डालने से प्लांट्स उतने ख़राब नहीं होते हैं जितने कि ज़्यादा पानी डालने से होते हैं। तो वैसे ही इसके साथ भी है, थोड़े पानी की हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो अपर क्रस्ट अगर जब इसकी सूख जाती है हम तभी पानी डालें, नहीं तो इसकी जो लीव्स है वो अंदर से, बाहर से तो आपको ये ग्रीन दिखती रहेंगी पर अंदर से येलोइश होनी शुरू हो जाती है और प्लांट बहुत ही ख़राब दिखता है। ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने आप ही एक शेप में रहता है। देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप इसकी आई हुई है। मैंने कोई कटिंग प्रूनिंग वगैरह इसकी नहीं की है। जब ये प्लांट ज़मीन पर लगाए जाते हैं और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो इनकी प्रूनिंग की नीड होती है। गमलों में भी अगर आपको लगता है तो कभी आप इसकी प्रून थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो इसको फर्टिलाइज़र की नीड है। मैं हमेशा हर महीने ही इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं काऊ डंग फर्टिलाइज़र ही इसमें डालूँ, तो मोस्टली मैं वही यूज़ करती हूँ। वैसे आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं बट इसको फर्टिलाइज़र की नीड होती है, ये मैंने देखा है। जिसकी ग्रोथ के लिए इसको इसमें कुछ ना कुछ इसको मैन्योर करना पड़ता है। और जहाँ तक इसमें इसकी पॉट की बात है तो मेरा सजेशन यही है कि एक ऐसा ये प्लांट है जो कि एक्चुअली ट्री है और काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो उसको एक बड़ा पॉट ही देना चाहिए। शुरू से एक बड़े पॉट में लगाएं। बार बार ट्रांसप्लांट करने से हमारे प्लांट्स अक्सर मर जाते हैं और शॉक में भी चले जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, वो अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देते हैं। तो ये एक प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो जैसे थूजा के प्लांट होते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, वो पास में ही देखिए मेरा भी थूजा भी रखा हुआ है ये, तो उसी तरह से ये भी थूजा की तरह ही है और चाइनीज़ थूजा भी कहलाता है ये प्लांट। और उसकी ही तरह ही बहुत ही खूबसूरत एवरग्रीन ट्री है। तो इसको भी लगाइए और काना गार्डन देखते रहिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।